और तुम्हें दिख गया होगा पाई बॉन्ड, मैंने एक एग्जाम्पल जो दिया पीछे, पाई बॉन्ड की एक एग्जाम्पल जो दिया पीछे, उसमें सिग्मा बॉन्ड आया फिर पाई बॉन्ड आया, यानी पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही आएगा। पाई बॉन्ड हमेशा, एग्जाम्पल है ऐसी जब पाई बॉन्ड अकेले आता है, लेकिन पाई बॉन्ड वैसे हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ आता है, ठीक है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज और लेटरल ओवर रैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आई एंड ए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इसमें एक एग्जाम्पल मैंने O2 का ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल, और ये जो पाई बॉन्ड है इट इज फॉर्म ओनली बाय पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, पाई बॉन्ड भी बनता है, डिफरेंस क्या है इसमें? साइडवेज ओवरलैप, उसमें कहाँ होती है? अलोंग आई एन, इसमें साइडवेज होगी। तो इसमें एन टू का एग्जाम्पल बना है, एन टू में क्या आएगा? हाँ, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, अतुल्य ये आएगा। और दूसरा एन सेम चीज, ये अब ओवरलैप करेंगे। देखो अब जेड एक्सिस को मैं आई एन ए मान रहा हूँ, फिर तो जेड एक्सिस को अगर आई एन ए माना तो 2pz और 2pz क्या बनाएंगे? सिग्मा। 2pz और 2pz क्या बनाएंगे? सिग्मा। ये रहा देखो, ये एक 2pz, ये दूसरा नाइट्रोजन है उसका 2pz, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके दो पी ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? ये एक पी ऑर्बिटल, या पहले सिंपल दिखा दो, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये इसका, और ये एक जो होगा 90 डिग्री पे, ये सोच पा रहे हो ना ये कैसे होगा? ये वाला, ये स्क्रीन के पीछे की तरफ, एक लोब पीछे और एक लोब हमारी तरफ, समझ गए कि नहीं है? ये ऐसे, ये ऐसे दो पाई बॉन्ड, एक दोनों क्या है? सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना जरूर। अब ये पार्शियल ओवरलैपिंग, ये हो गई यहाँ पे इधर पार्शियल ओवरलैपिंग, ये पार्शियल ओवरलैपिंग, ये यहाँ पे हो गई पार्शियल ओवरलैपिंग। तो एक सिग्मा बना, दो पाई, O2 था तो उसमें भी दो बॉन्ड थे, एक सिग्मा और एक पाई। अब N2 आया तो उसमें भी दो हैं, N2, एक सिग्मा और दो पाई। पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, एक अबव द प्लेन दिख रहा है ना, एक ऊपर है, एक पाई बॉन्ड होता है तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, समझ रहे हो कि नहीं है? पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सिग्मा बॉन्ड में कितने हैं? एक ही है। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? सिमेट्रिकल, एक जगह पे कंसंट्रेटेड है ना। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल है, एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन, ये सारे डिफरेंसेस है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस है, डिफरेंसेस में क्या लिखोगे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, मैं ऑरली बोलूंगा तुम लोग बाद में नोट करना। सिग्मा बॉन्ड पहले लिखेंगे, फॉर्म कैसे होता है, कैसे फॉर्म होगा? पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पूरा क्या आना है? इट इज फॉर्मड अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर टू, इट इज फॉर्म बाय साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? एस एस ओवरलैप से, एसपी से और पीपी ओवरलैप से अलोंग आई एन ए। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? अलोंग आई एन ए, अलोंग आई एन ए। तीसरा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग और वीक पता नहीं क्यों है? सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से, एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, कि जब पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सिग्मा से, जब पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा किससे? सिग्मा से, उसके एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन के केस में पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा से, ये तो परपेंडिकुलर टू आई एन, सही ना, परपेंडिकुलर टू आई एन। फिर फोर्थ पॉइंट,
सिग्मा बॉन्ड कैन अकर अलोन, सिग्मा बॉन्ड कैन अकर अलोन, और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होगा, इट इज ऑलवेज अकंपनीड बाय, इट इज ऑलवेज अकंपनीड बाय सिग्मा बॉन्ड, इट अकर्स अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड। और डिफरेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल। और पॉइंट, और क्या पॉइंट आएंगे, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड बहुत ही, एक पॉइंट और इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वन अबव द प्लेन वन बिलो द प्लेन, समझे कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हालांकि ये पॉइंट फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट लगभग सेम ही माने जाएंगे, वो शो कर रहा है कि अनसिमेट्रिकल, सिग्मा बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई बॉन्ड में कितने हैं दो, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह यूज होगा ये, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन, पॉसिबल, और इसमें पाई बॉन्ड में नो फ्री रोटेशन, या इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना, हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसमें क्या होगी, हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जैसे इसमें फ्री रोटेशन है ना, तो इसमें आगे पढ़ेंगे फ्री रोटेशन की वजह से इसमें मेरा आइसोमर आएगी, कंफर्मेशनल आइसोमर या रोटेशनल आइसोमर शो करेंगे, और जो पाई बॉन्ड में हिंडर्ड रोटेशन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसकी वजह से आइसोमर आएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और फ्री रोटेशन की वजह से कंफर्मेशनल आइसोमर, ये लेकिन लिखना नहीं है, मैंने छह पॉइंट लिख दिया ना, ये बेसिक पॉइंट्स है छह, और भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, छह से सात लिखाए मैंने कि नहीं है, ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, इनको याद करना है तुम्हें ढंग से ना, इनको ढंग से याद करना है, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया सिग्मा पाई बॉन्ड, कभी भी तुम्हें निकालना है, सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा, एक सिग्मा और दो पाई, इसका आंसर कभी गलत नहीं होगा, अगर तुमने हर एक एटम को अलग करके देख लिया, अगर तुमने हर एक एटम को अलग करके देख लिया है तो इसका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें इसकी ऑनलाइन में दूंगा, मैं एक एक दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ठीक है ना, एक दो एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि इसके अच्छे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सको, जैसे मैंने पहले बोला, चलो दो तीन तुम निकाल के देखो जरा, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना तुम्हें, क्या निकालना है, सिग्मा पाई बॉन्ड, जैसे फर्स्ट निकालो तुम सी टू एच फोर में, सेकेंड सी टू सी एन फोर में, थर्ड सी टू सी एन या सी टू एच टू में, सी टू एच टू में, फोर्थ सी टू सी एन टू में, एन ए सी एन में, और निकालो बेंजीन में, ये सबसे इजी वाले क्वेश्चन है, ये निकाल दो जल्दी से, सिग्मा और पाई बॉन्ड, पास, एक मिनट का टाइम है, आंसर बोलना जल्दी।
निकालिए। अरे बेटा समझ आ रहा था, काम दिखा दीजिए। होगी देखो, इधर C2H4 स्ट्रक्चर ये है। हर एक एटम अलग करो, एच हमेशा एक ही बॉन्ड बनता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, एच के हमेशा एक ही बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के चार बॉन्ड। तो क्या है इसमें, सिग्मा 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 और एक सिग्मा, पांच सिग्मा है और एक पाई दिख रहा है तुम्हें, पांच सिग्मा एक पाई, ये आंसर आ जाएगा इसका। और उसका C2CN4 ये भी सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल, सील बॉन्ड सी, एच की जगह, एच की जगह क्या आ गया है, सी एन। एन कितने बॉन्ड बनाता है, तीन, 2 5 होता है ना एन, 2 5 मतलब तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन बॉन्ड बनाएगा। हर एक एटम अलग कर दो, आंसर हमेशा सही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा फिर आंसर। तो सिग्मा पाई, सिग्मा कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ, 9 सिग्मा, और पाई दिख रहा है यहाँ दो हैं, दो यहाँ है चार, एक पांच, दो सात और दो नौ, 9 सिग्मा 9 पाई। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा हुआ है, 9 सिग्मा 9 पाई, 9 सिग्मा 9 पाई। इसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, पहले केस में टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, सिक्स, सिक्स कोवेलेंट बॉन्ड, और नेक्स्ट वाले में 18 कोवेलेंट बॉन्ड, इधर सिक्स कोवेलेंट बॉन्ड्स है, और दूसरे वाले में 18। सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड किसके टाइप से है, सिग्मा और पाई किसके टाइप है, कोवलेंट के, तो इसलिए 18 कोवलेंट बॉन्ड्स है और इसमें सिक्स है। अब C2H2 में सिग्मा कितने हैं, तीन और दो पाई, सिग्मा 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 पाई और पाई, और C2CN2 एच की जगह सी एन लगा दो, तो 6 पाई है और 5 सिग्मा, 6 पाई 5 सिग्मा, समझ आ रहा है कि नहीं है, अभी तक तो किसके सही है सारे, अरे सही है दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, अतुल्य सही है, अगले बता, NaCl में बता अतुल्य, 2 सिग्मा 2 पाई, और कौन बताएगा, तू बोले एक बार, उन्होंने आयुष, 2 सिग्मा 2 पाई, तू बोला देते, तू कुछ कुछ भी नहीं होगा शायद, क्या होगा इसके अंदर, 1 सिग्मा 2 पाई, NaCN है ना, हाँ सही चित्रा चुके अभी, NaCN, Na प्लस है, CN नेगेटिव है, ऐसे Na और C के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक, तो आयनिक बॉन्ड तो सिग्मा पाई का टाइप नहीं होता ना, आयनिक बॉन्ड नहीं होता, इसके 1 सिग्मा और 2 पाई बोलना, 1 सिग्मा और 2 पाई, और ऐसे अगला क्या है, बेंजीन, हर एक आइटम अलग करो आंसर आ जाएगा। स्कूल में ज्यादातर पूछते हैं ये, तो इसमें सिग्मा कितने हैं, 12, और पाई तो 3 दिख ही रहे हैं, 2 3 4 5 6, यहीं पे 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा और 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। नेक्स्ट आगे समझ के नहीं, बेंजीन में क्या होगा, 12 सिग्मा 3 पाई। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे भी हैं इसके, जैसे IIT में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, CaC2 के अंदर पूछा हुआ है, सिग्मा पाई कितने होंगे, CaC2 के अंदर सिग्मा पाई कितने होंगे, CaC2 में कितने सिग्मा पाई, जैसे अगला इसको बना के दे दिया, CaNA4C3 में कितने सिग्मा कितने पाई, Na4C3 में कितने सिग्मा कितने पाई, ये तुम खुद ट्राई कर लेना, मैं बाद में बताऊंगा, तो आंसर बोला किसको बोल सकते हो, CaC2 में और Na4C3 में।
2, CA 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, CA अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने 2+ आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, ये तो आयनिक बॉन्ड होगा दोनों के साथ, CA का एक C के साथ आयनिक बॉन्ड, तो एक नेगेटिव, दूसरे C के साथ आयनिक बॉन्ड, तो दूसरा नेगेटिव, तो एक सिग्मा है और 2 पाई, ये IIT का क्वेश्चन है 99 में पूछा हुआ है, एक सिग्मा 2 पाई, Na4C3 बनाओगे, CaC2 को ना ऐसे काउंट करो, C2 2 नेगेटिव, और Na4C3 है ना, Na चारों हटा दो, ये चार हटा दो, चार नेगेटिव लगा दो, C3 4 नेगेटिव, C3 4 नेगेटिव है, C3 4 नेगेटिव मतलब तुम ऐसे भी बना सकते हो, 3 नेगेटिव इधर, 1 नेगेटिव इधर, तो तुम ऐसे ही बना सकते हो, तो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा 2 पाई, दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी ले लो, 2 सिग्मा 2 पाई, स्ट्रक्चर देख के बनाना है ना, वही बात, वही सही बात है, अदरवाइज तुमने ऑर्गेनिक पढ़ रखी है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, C3 4 नेगेटिव में दोनों स्ट्रक्चर सही है, आंसर दोनों में से किसी से निकाल लो, दोनों से आंसर सही है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल मैं इसके करवा दूंगा तुम्हें ऑनलाइन में, अभी नोट करना तुम्हें, नेक्स्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वाला, जिसको समझ आएगा वही करेगा टॉपिक, है ना, ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवर रैपिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवर रैपिंग, ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए है टॉपिक इंपॉर्टेंट, और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन ये है, देखो अगर मैंने तुमसे बोला 2s 2s है, 2s 2p है, और 2p 2p है, 2p 2p है, तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, अगर अगर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 3d पाई 3d पाई, दूसरा 3d पाई 3p पाई, तीसरा 3p पाई 3p पाई, इनका ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा, ये ए ये बी ये सी, ए बी और सी, ये आंसर निकालने के लिए, ऐसे वाले आंसर निकालने के लिए, ऊपर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, उससे नीचे सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, ऊपर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ में, नीचे पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, और किसी ने निकाला क्या, सी फिर बी फिर ए, तो दूसरे में पहले में सी बी फिर ए, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रीजन याद है ना, सिग्मा की जब पी की ओवरलैपिंग होती है सेम शेल में तो 100%, क्यों, क्योंकि उसी एक्सिस पे होगा, पता नहीं, और ऐसा आएगा तो 33%, इसलिए जितने ना पी होंगे उतनी ज्यादा डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग 2s 2p की कम होगी और 2s 2s की और कम हो जाएगी, अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगला निकाला किसी ने, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर ये रहा, सेकंड वाले का आंसर बोलना किसी को, सबसे पहले प्रॉपर रीजन है, और चलो अभी ये सुन लेंगे एक बात, यही आंसर है, देखो जरा अब रीजन देना, रीजन प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है ना, सबसे पहले चेक करना सिग्मा है कि पाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा पाई से, पहला पॉइंट, पहले क्या चेक करोगे, सिग्मा और पाई, अगर सिग्मा आ गया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा किससे, पाई से, पहले ये देखेंगे, दूसरा केस मान लो दोनों सिग्मा है या दोनों पाई है, दोनों सिग्मा है या दोनों पाई है, तब कैसे कंपेयर करेंगे, तब कंपेयर करेंगे साइज के बेसिस, साइज बड़ा तो बॉन्ड वीक, साइज बड़ा तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग क्या होगी, कम, साइज साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तीसरा केस अगर मान लो शेल भी सेम है, बॉन्ड टाइप भी सेम है, यानी दोनों सिग्मा है और शेल भी क्या है, सेम, शेल भी सेम बॉन्ड टाइप भी सेम, उस केस में चेक करेंगे डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स, ये अगर तुम प्रॉपर तरीके से पॉइंट देखोगे,
तो गलत नहीं होंगे। पहले क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, फिर क्या देखना है, साइज देखना है, फिर क्या देखना है, साइज, और उसके बाद क्या देखना है, डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है पाई बॉन्ड से, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, याद है कि नहीं है। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग था, सिग्मा बॉन्ड के लिए मान लो ये बनाया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाया इधर, जब इसमें ओवरलैपिंग हुई, इसमें ओवरलैपिंग हुई तो न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्शन था वो क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, और डिस्टेंस भी न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, पास है डिस्टेंस की दूर है, पास है। और अगर पाई बॉन्ड होता, पाई बॉन्ड होता तो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका, ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से डिस्टेंस ज्यादा कि कम, ऐसे ये अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से डिस्टेंस ज्यादा। और दूसरा, क्या दोनों न्यूक्लियस की रिपल्शन मिनिमाइज हो पा रही है पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन से तो नहीं हो रही, नहीं हो रही ना मिनिमाइज, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड। दोनों रीजन समझ आ गए कि नहीं, एक तो डिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का, दूसरा न्यूक्लियस में रिपल्शन जो है वो सही तरीके से मिनिमाइज नहीं हो पा रही, समझिए कि नहीं। इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन पाई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन पाई। दूसरा पॉइंट, अगर शेल सेम है, अगर शेल सेम है तो सिग्मा बॉन्ड बना, मान लो सिग्मा बॉन्ड बना टू पी के बीच में, ये टू पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन पास से। और अगर थ्री पी में बना सिग्मा बॉन्ड तो साइज बढ़ जाएगा कि नहीं, अब अट्रैक्शन पास से होगी दूर से होगी, दूर से होगी बढ़ जाएगी ना लेंथ, ये समझ आएगी बात की नहीं है। इसलिए टू पी का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा देन थ्री पी, क्या समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं है। और ऐसे ही टू पी में अगर पाई बॉन्ड बनता है, ये टू पी में पाई बॉन्ड, तो अट्रैक्शन ज्यादा कि कम, टू पी में पाई बॉन्ड बना और ये बना थ्री पी में, अब बताओ अट्रैक्शन दूर से होगी पास से होगी, इसलिए टू पी पाई टू पी पाई, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन थ्री पी पाई, क्या समझ आ गए। शेल ज्यादा तो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। शेल अगर ज्यादा होंगे तो चाहे सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं है, तो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्ड, थर्ड कौन सा था, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा और शेल भी है सेम, बॉन्ड बन रहा है सिग्मा और शेल भी है सेम, जैसे 2s 2s में सिग्मा, 2p 2p में सिग्मा और 2s 2p में सिग्मा, तब इस केस में अब तो शेल सेम है, अब क्या चेक करेंगे, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एस अगर है, एस एस के इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन 33% होंगे इस डायरेक्शन में, 33% 33% तो ओवरलैपिंग कम है कि जा रहा है, कम। अब अगर टू पी आएगा, मान लो टू पी जेड, तो टू पी जेड जेड डायरेक्शन में ही सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, 100% इलेक्ट्रॉन इसके भी जेड डायरेक्शन में, 100% इसके भी इलेक्ट्रॉन जेड डायरेक्शन, तो ओवरलैपिंग ज्यादा कि कम, ज्यादा। और अगर 2s 2p z है तो एक का 33% है और दूसरे का 100%, इसलिए ओवरलैपिंग क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी, है ना। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसकी होगी, 2p 2p की। अगर शेल सेम है, टाइप भी सेम है, तो 2p 2p का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर 2s 2p का, आगे समझ के नहीं है। अगर शेल सेम है और टाइप भी सेम, सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है तो ऐसे देखें, अब पाई बॉन्ड देखेंगे, पाई बॉन्ड एक बन रहा है 3d पाई, 3d पाई एक बन रहा है, 3d पाई 3p पाई और एक बन रहा है 3p पाई 3p पाई, तब स्ट्रेंथ देखो। अब इसमें स्ट्रेंथ 3d पाई 3d पाई, ये
ये एक डी ऑर्बिटल, एक ये 3D XY मान लो, ये भी 3D XY, और एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है, एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग हो रही है। दूसरा लिया, एक लिया 3D XY और एक लिया से 3PY या 3PX, 3PY ले रहे, 3PY ले लिया एक्स एक्सिस। तो अब जो बॉन्ड बने, ये है 3PY, ये 3DXY, और तीसरा केस लिया 3PX 3PX या 3PY 3PY, 3PY एक्स एक्सिस। अब बताओ कौन सी एक्सिस पे, कौन सी एक्सिस पे, कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिसमें लोब्स में पास दिख रहे, 3D XY में, क्योंकि इसमें लोब्स क्या टिल्टेड है, 45 डिग्री पे टिल्टेड है नो लोब्स की नहीं, अगर टिल्टेड होंगे लोब्स तो पास आएंगे जल्दी, और पास आएंगे तो ओवरलैपिंग आसानी से होगी इधर से, इसमें थोड़ा दूर हो गया कि नहीं, इसमें और दूर हो गया, आ रहा समझ के नहीं है। तो सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, अगर सेम शेल है और टाइप भी सेम है, 3D पाई, 3D पाई का बॉन्ड क्या होगा सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद 3P पाई, और लीस्ट होगा 3P पाई 3P पाई। क्या समझ आ गया डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक्स, तो ये डायरेक्शन करेक्टरिस्टिक्स है, 3D पाई, 3D पाई का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर 3D पाई 3P पाई, और 3P पाई 3P पाई बॉन्ड तो बनते ही नहीं, ये बनते नहीं है बॉन्ड ये वाले, जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ O2 के अंदर 2P पाई 2P पाई बॉन्ड है, O2 में है ना 2P पाई 2P पाई बॉन्ड, S2 क्यों नहीं बन पाता, ऐसे S2 भी तो बन जाना चाहिए, O के नीचे सल्फर है, बन जाना चाहिए कि नहीं, ऐसे नहीं बनता, क्यों, क्योंकि तो इसमें 3P पाई 3P पाई बनेगा, वो बनता ही नहीं, ये वाला बॉन्ड बनता ही नहीं है, ये वाला 3P पाई 3P पाई, समझ गए कि नहीं, इसीलिए S2 नहीं बनता। क्वेश्चन आ सकता है कि O2 तो एग्जिस्ट करता है एज O2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, बट सल्फर S2 की तरह क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन क्योंकि इसमें 3P पाई 3P पाई बॉन्ड है जो कि बहुत वीक होता है, समझिए कि नहीं, जैसे N2 एग्जिस्ट कर रहा है, N2 में कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, 2P पाई 2P पाई, नाइट्रोजन है ना 2P 2P पाई 2P पाई, उसी के नीचे P2 है, फॉस्फोरस है, वो ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि 3P पाई 3P पाई की बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, 3P पाई 3P पाई की बॉन्डिंग क्या होगी, बहुत वीक, क्लियर हो गया कि नहीं है। अब नेक्स्ट एक है डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है जब डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स एक साथ ओवरलैप, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स एक साथ ओवरलैप करेंगे, जैसे ये ध्यान देना, दे जैसे ये चार लोब्स, ये 3D XY मान लो, और ये जेड एक्सिस, ये आ रही है जेड एक्सिस इधर, अब ओवरलैपिंग चारों लोब्स की एक साथ होगी कि नहीं, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान देना, चारों लोब्स तो एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं, इसमें जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस थी ऊपर, तो ये बन रहा है यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड, जब चारों लोब्स ओवरलैप करते हैं, डी पाई बॉन्ड में कितने लोब्स ओवरलैप करते हैं, डी के दो एक के होते हैं, ये ऐसे होते ना आमने सामने, ये पाई बॉन्ड बन रहा है, डेल्टा कब बनेगा, डेल्टा कब बनेगा, जब सारे लोब्स ओवरलैप करेंगे एक साथ, जब सारे लोब्स ओवरलैप करेंगे एक साथ, क्लियर हो गया कि नहीं है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है, और डेल्टा बॉन्ड ना स्ट्रांग होता है पाई से, सिग्मा फिर डेल्टा फिर पाई, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड भी अकेले आ जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स में देखने को मिला ये MN और MN के बीच में,
जैसे Mn2CO होल्टेन, ये कंपाउंड है, MnMn के बीच में डेल्टा बॉन्ड बनता है इनके, डेल्टा बॉन्ड अकेले आ जाता है, लेकिन पाई बॉन्ड तो अकेले नहीं आता ना, इसीलिए इसीलिए क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड स्ट्रांग होगा किससे, पाई बॉन्ड से, सिग्मा से वीक, सिग्मा में तो पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, इसमें साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, क्या क्लियर हो गए, सिग्मा पाई डेल्टा क्लियर हो गया कि नहीं है, अरेंज करना है, नोट कर लिया, देखो जैसे इसको अरेंज करना है, 1s 1s, एक क्वेश्चन करना है बस, ये 1s 2pz, टू पी जेड 2s 2pz, टू पी एक्स 2s 2s, एक और लो, चलो ये करो, टू पी एक्स आएगा ना ये, टू पी एक्स, इनको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ में, पहला क्या है 1s 1s, दूसरा है 1s 2pz, तीसरा है 2pz 2pz, चौथा है 2s 2pz, और पांचवा है 2px 2px, छठा है 2s 2s, जेड एक्सिस अगर INA है, जेड एक्सिस अगर इंटरमोलर एक्सिस है तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या होगा, हाँ जेड एक्सिस अगर INA है, कौन बताएगा आंसर इसका, बोल, ऐसी अरेंज है पूरा, और कोई और किसको बोलना है, बोलो, नहीं, हाँ तुम बोलो, तुम लोग नहीं गलत है ना, तुम बोलो गलत, 1 2 3 4 6 5, इसका सही है, 1 2 3 4 6 5, तुम लोग रूल क्यों नहीं फॉलो कर रहे, पहला रूल क्या था, पहला रूल क्या था, सिग्मा और पाई, ये सिग्मा बना रहा है, 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 ये बनाएगा पाई क्योंकि जेड एक्सिस आई एन ए, ये बना रहा है सिग्मा, अब उसके बाद क्या रखते हैं शेल, फिर क्या देखेंगे, अब शेल देखेंगे, शेल सबसे छोटा कौन सा है, 1s 1s, इसका सिग्मा सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद 1s 2pz का भी सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्योंकि 1s आ गया इसमें भी, अब उसके बाद सब में 2p 2p है, तो उसके बाद 2p 2p की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा तो 3, फिर 2s 2pz की ओवरलैपिंग ज्यादा तो 4, फिर 2s 2s सिग्मा है 5, और ये 6 6 आएगा, फिर 5,
सही है। तो सही ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कल मैं शायद जो 320 में क्लास होगी उसमें इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, दो तीन अच्छे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो होगा वेडनेसडे को, वेडनेसडे को तो चलो, या फिर नाइट में भी क्लास होगी ना, उसमें भी इसके क्वेश्चंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना है, किस ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बना। हिंट दे दिया एक, अब वो करना है, सही ना, ओवरलैपिंग थ्योरी के अंदर यही तो करना है। इसको याद कर लो जल्दी सब।